हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। सो गाइस, हम कर रहे थे डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज और लास्ट खा था ठीक है, एरे क्या होता है। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है स्टैक। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 7th है डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज में। ठीक है, सो व्हाट इज स्टैक? ए स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लीफो। ठीक है, सो व्हाट इज लीफो? हियर लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। क्या है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? है और वो कौन सा रूल फॉलो करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जो लास्ट एलिमेंट एंटर हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा अगर हम उसमें से रिमूव करना चाहेंगे तो स्टैक में से। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल फॉलो होता है इसका। ठीक है, स्टैक हैज वन एंड वेयर एरियाज वेयर एज द क्यू हैज टू एंड्स। स्टैक जो होता है उसका एक एंड होता है। ठीक है, एक ही एंड से हमें डाटा एंटर भी करना है और उसी एंड से ही अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, तो उसी एंड से ही निकलेगा। ठीक है, मतलब कोई और एंड नहीं होता। ठीक है, बट क्यू में जो है वो दो एंड होते हैं, एक होता है फ्रंट, दूसरा होता है रियर। ठीक है, सो वी कैन से दैट स्टैक कैन बी डिफाइंड एज ए कंटेनर। ये एक कंटेनर है इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम द वन एंड नोन एज द टॉप ऑफ द स्टैक। जिसमें इंसर्शन भी होता है, डिलीशन भी होता है, लेकिन कहाँ से? सिर्फ एक एंड से, जिसको हम क्या कहते हैं? टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैक वर्ड्स ओन लिफो पैटर्न। सॉरी, बॉक्स आएगा यहाँ, वर्ड्स नहीं आएगा। ठीक है, तो ये किस पे वर्क करता है? लिफो पैटर्न पे वर्क करता है। सपोज वी वॉन्ट टू, मीन्स एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने यहाँ पे। Suppose we want to store the element in a stack and let's assume that the stack is empty. ठीक है, हमें एलिमेंट स्टोर करने हैं स्टैक में, बट फिलहाल हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि स्टैक क्या है? एम्प्टी। वी हैव टेकन द स्टैक ऑफ साइज 5 इन विच वी आर पुशिंग द एलिमेंट वन बाय वन अंटिल द स्टैक बिकम्स फुल। तो हमने स्टैक का साइज क्या लेके चल रहे हैं? 5 साइज लेके चल रहे हैं और हमें उसमें पुश करने हैं एलिमेंट्स वन बाय वन जब तक स्टैक फुल नहीं हो जाता। तो वन बाय वन हम एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हमने पुश करा 1, फिर पुश करा 2। ठीक है, 1 तो पुश हो गया ऑलरेडी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ऐसे करके हमने वन बाय वन पांचों एलिमेंट्स उसमें पुट कर दिए और स्टैक हमारा क्या हो गया? फुल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? सिंस आवर स्टैक इज फुल एज द साइज ऑफ द स्टैक इज 5। क्योंकि साइज के लिए था, हमने 5 लिया था और 5 एलिमेंट्स इंसर्ट भी हो गया, तो स्टैक क्या हो गया है? फुल हो गया है। इन अबव केस वी ऑब्जर्व दैट इट गोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम व्हेन वी आर एंटरिंग द न्यू एलिमेंट्स इन द स्टैक। तो वो कहाँ जा रहा है? नया एलिमेंट, जैसे ही हम नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो वो टॉप से कहाँ जा रहा है? बॉटम में जा रहा है, क्योंकि हमने 1 डाला, तो देख रहे होगे आप 1 सबसे नीचे है, तो वो टॉप से कहाँ जा रहा है? बॉटम में जा रहा है। ठीक है, When we are entering the new element in the stack gets filled up from the bottom to the top. तो filled up कैसे होएगा? पहले bottom में आएंगे, फिर top में। ठीक है, धीरे-धीरे, one by one. When we perform the delete operation, but इसी way में ही अगर हमें delete operation perform करना है stack के ऊपर, there is only one way for entry and exit. हमें पता है एक ही वे एंट्री और एग्जिट का, एज द अदर एंड इज क्लोज्ड, क्योंकि दूसरा एंड क्या है? क्लोज है। इट फॉलोज अ लिफो पैटर्न, ये हमें पता है, विच मींस दैट द वैल्यू एंटर्ड फर्स्ट विल बी रिमूव लास्ट। ठीक है, तो जो वैल्यू हमने एंटर करी है फर्स्ट, वो सबसे लास्ट में रिमूव होगी। क्यों? जैसे कि हमें अब इसमें से 1 निकालना है, तो 1 कहाँ है? सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 निकालेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 निकलेगा ना। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो वैल्यू फर्स्ट में एंटर हुई है वो सबसे लास्ट में निकलेगी। इन अबव केस द वैल्यू 5 इज एंटर्ड फर्स्ट, सो इट विल रिमूव्ड ओनली आफ्टर द डिलीशन ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स। सॉरी, यहाँ पे 1 आना चाहिए। द वैल्यू 1 इज एंटर फर्स्ट, सबसे पहले हमने 1 एंटर किया है ना। ठीक है, मेरी मिस्टेक है, सो सॉरी। ओके, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, 1 आना चाहिए। द वैल्यू 1 इज एंटर फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट सबसे पहले एंटर हुआ है, तो अगर हमने उसको निकालना है बाहर या उसको डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सो इट विल बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर द डिलीशन ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स।
जब पहले हम सारे एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे तभी तो फर्स्ट का नंबर आएगा ना, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास प्रिमिटिव ऑपरेशन। द फॉलोइंग आर सम कॉमन ऑपरेशन इंप्लीमेंटेड ऑन द स्टैक। सबसे फर्स्ट है पुश। व्हेन वी इंसर्ट एन एलिमेंट इन ए स्टैक देन द ऑपरेशन इज नोन एज पुश। जब हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। इफ द स्टैक इज फुल देन द ओवरफ्लो कंडीशन ऑफर। अगर स्टैक फुल है तो क्या होगा, ओवरफ्लो कंडीशन अकर हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या है, पॉप। पॉप में क्या हो रहा है, व्हेन वी डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक द ऑपरेशन इज नोन एज पॉप। जब भी हम कोई एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं स्टैक से तो उसको क्या बोल रहे हैं, पॉप बोल रहे हैं। इफ द स्टैक इज एम्प्टी मींस दैट नो एलिमेंट एग्जिस्ट इन द स्टैक। अगर स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है स्टैक में। दिस स्टेट इज नोन एज अंडरफ्लो स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जब स्टैक फुल होता है वो ओवरफ्लो होती है, बट जब स्टैक एम्प्टी होता है तो वो अंडरफ्लो स्टेट होती है, ओके। सो नेक्स्ट इज एम्प्टी ऑपरेशन। इट डिटरमाइंस वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, कि स्टैक खाली है या नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इज फुल ऑपरेशन। इट डिटरमाइंस वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट, क्या स्टैक फुल है या नहीं है। फिर आता है पी। इट रिटर्न्स द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन, ठीक है। अब वो गिवन पोजीशन कौन सी है, दिस इज यूज्ड टू गेट द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। मींस जब भी हमें टॉप मोस्ट एलिमेंट गेट करवाना होता है तो हम पीक का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट ऑपरेशन। इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन द स्टैक, ठीक है। मींस जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है स्टैक में उनकी काउंटिंग करके हमें दे देगा काउंट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये थे हमारे कि स्टैक क्या होता है, उसका एग्जांपल देखा हमने, ठीक है। एंटरिंग कैसे करते हैं उसमें, डिलीट कैसे करते हैं ये हमने देखा। प्रिमिटिव ऑपरेशंस क्या है हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। फिर धीरे धीरे जो भी नेक्स्ट आगे टॉपिक होंगे, प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, ठीक है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर दी चैनल को, लाइक कर दी वीडियो को, ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट करो गाइस। थैंक यू ऑल, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। And if you have any doubt, then ask me in the comment section. And sorry for my mistakes. Okay, thank you all.